स्टूडेंट्स, अब तक हम बात कर रहे हैं कि कंटेंट एसईओ के लिए और गूगल के लिए बड़ा ज़रूरी है, लेकिन कंटेंट है क्या, इसको कैसे हम अंडरस्टैंड करें कि कंटेंट क्या है। गूगल को रैंक करने के लिए कंटेंट की अशद ज़रूरत है। सो गूगल इज़ हंग्री फॉर कंटेंट, ठीक है। गूगल को जब तक कंटेंट नहीं मिलेगा, आपकी एसईओ या आपकी रैंकिंग बेहतर नहीं हो सकेगी। तो सवाल ये है कि कंटेंट क्या है। कंटेंट, जब हम बात करते हैं कंटेंट की, तो हमें लगता ये है कि कंटेंट का मतलब सिर्फ टेक्स्ट है। टेक्स्ट ज़रूर कंटेंट है, लेकिन सिर्फ कंटेंट टेक्स्ट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गूगल में जब आप कुछ भी सर्च करते हैं, आपको सबसे पहला रिज़ल्ट जो नज़र आता है आमतौर पर, वो गूगल की सारी वेबसाइट्स आती हैं जिन पर वो कोई ना कोई वो वर्ड्स लिखे हुए होते हैं जो आप उस पर सर्च करते हैं। टेक्स्ट तो बड़ा सिंपल है, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि गूगल की सर्च में इमेजेस भी आपको मिलते हैं कुछ क्यूरीज के अगेंस्ट। जब भी आप कुछ सर्च करते हैं, कोई क्यूरी जनरेट करते हैं, उसके अगेंस्ट कभी आपको इमेजेस भी नज़र आते हैं, कभी आपको वीडियोस भी नज़र आती हैं, और कभी आपको इससे मुख्तलिफ डिफरेंट फॉर्मेट्स नज़र आते हैं। सो कॉन्टेंट क्या है? कॉन्टेंट की चार बड़ी फॉर्मेट्स हैं, चार बड़ी इकसाम कह लें आप उसको, या चार बड़े फॉर्मेट्स उसको आप कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले तो टेक्स्ट, वो कॉन्टेंट है। अब टेक्स्ट किस तरह का टेक्स्ट? टेक्स्ट में आप इंग्लिश लैंग्वेज में, उर्दू लैंग्वेज में, किसी भी ज़ुबान में अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो वो टेक्स्ट कहलाता है। अब वो टेक्स्ट गूगल इंडेक्स करता है, और हर ज़ुबान को गूगल समझता है, और उसको वो अपने डेटाबेस में मेनटेन करता है। तो टेक्स्ट एक बड़ा कॉन्टेंट की शक्ल है, लेकिन इसके अलावा कॉन्टेंट इमेज के तौर पर भी काउंट होता है। सो इमेज में क्या क्या आ जाता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपनी या किसी की तस्वीर उतारते हैं, वो भी कंटेंट है। लेकिन अगर आप कोई लोगो डिज़ाइन करते हैं, या कोई और इमेज डिज़ाइन करते हैं, या आइकन डिज़ाइन करते हैं, वो भी कंटेंट इमेज की शक्ल में कंटेंट है। और इसी तरह से डिफरेंट तरह से जो भी आपको विजुअली नज़र आ सकता है, जो आप देख सकते हैं, ऐसा कोई डिज़ाइन, वो सब कंटेंट की एक डिफरेंट फॉर्म है, और उसको हम इमेजेस में कैटेगराइज कर सकते हैं कि इमेज कंटेंट गूगल इंडेक्स करता है, और वो इमेज किसी भी तरह का हो सकता है। इसी तरह से अगर कंटेंट और ऑडियो को मिक्स कर दें, इमेज कंटेंट और ऑडियो को मिक्स कर दें, तो आप वीडियो की शक्ल में आपको एक नया फॉर्मेट मिलता है, जिसमें आप चीज़ें देख भी सकते हैं, उसमें सुन भी सकते हैं, और कहीं ना कहीं वीडियो में आप कुछ पढ़ भी सकते हैं। तो वीडियो एक डिफरेंट फॉर्मेट है, और गूगल वीडियो को ना सिर्फ इंडेक्स करता है, बल्कि गूगल के पास YouTube की शक्ल में पूरा एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, जो गूगल वीडियो कंटेंट वहाँ पे होस्ट करता है। इसके अलावा एक जो चौथी फॉर्म है कंटेंट की, वो है ऑडियो। सो ऑडियो की शक्ल में गूगल के पास काफ़ी सारा कंटेंट अवेलेबल है। कोई गूगल के पास ऐसा स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन अगर आप म्यूज़िक देखें, या अपनी रिकॉर्डिंग देखें, या किसी भी तरह से अगर कोई लेक्चर आप सुन रहे हैं, या आप चलते हुए कोई गाना सुन रहे हैं, ये सारी चीज़ें ऑडियो कॉन्टेंट की शक्ल में गूगल के पास इंडेक्स होती हैं, और आप उसको सर्च कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन कि आपकी सर्च क्यूरी क्या है, गूगल उसके मुताबिक आपको रिजल्ट्स दिखाता है। तो गूगल की कोशिश ये है कि वो इन डिफरेंट फॉर्मेट्स के कंटेंट को इंडेक्स करे, मेंटेन करे, ऑप्टिमाइज़ करे, और जब कोई इसको सर्च करे वो उसको दिखाए भी। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो कॉन्टेंट के अंदर शुमार होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कभी गूगल मैप्स यूज़ किए हैं? अगर आपने गूगल मैप्स यूज़ किए हैं, तो ना तो वो टेक्स्ट है, ना तो वो वीडियो है, ना तो वो ऑडियो है। वो एक डिफरेंट तरह का कंटेंट है, जो गूगल अपने पास होस्ट करता है, उसको ऑप्टिमाइज करता है, जब आप सर्च करते हैं तो उसको रिजल्ट्स में शो भी करता है। तो गूगल मैप्स में कंटेंट क्या है? बेसिकली आपकी GPS लोकेशन, जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के तहत आपका मोबाइल डिवाइस, या आपके पास कोई GPS डिवाइस होती है, उसके तहत जो अपने आप लोकेशन गूगल को फीड करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, और आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं, गूगल ये सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है। और उसके बाद गूगल मैप्स की शक्ल में एक पूरा डेटाबेस मौजूद है, जिस पे वो सारी इन्फॉर्मेशन आप मैप कर सकते हैं। सो अगर आप अपने गूगल अकाउंट में लॉगिन करें, तो आप अपने गूगल मैप्स से अपनी अक्सर हिस्ट्री भी देख सकते हैं। अगर आपने अपने मैप्स की हिस्ट्री ऑन की हुई है, तो आप ये देख सकते हैं कि आपको गूगल ने कहाँ कहाँ पर ट्रैक किया था, और ये सारा एक तरह से कॉन्टेंट है जो कि आप गूगल के पास देख सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ से आपने लाहौर से कराची जाना है, और आप गूगल में सर्च करें कि लाहौर टू कराची, तो गूगल आपको डिफरेंट रिजल्ट्स दिखाएगा, जिसमें मैप्स की भी एक फॉर्म होगी। इसी तरह से
जैसा कि मैंने पहले बताया कि कंटेंट में टेक्स्ट आता है लेकिन टेक्स्ट में डिफरेंट ज़ुबानें हैं। अब गूगल ट्रांसलेट के नाम से गूगल की एक और प्रोडक्ट है जिसमें वो हर तरह की ज़ुबान का एक उसने डेटाबेस बनाया है। अगर आप उर्दू में कुछ लिखें तो आप उसका इंग्लिश में मतलब जान सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में कुछ लिखें तो उसका आप उर्दू में मतलब जान सकते हैं, और इसी तरह से आप एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान, तकरीबन गूगल के पास काफ़ी ज़ुबानें हैं, आप एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में आलमोस्ट हर तरह से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। वो हर वक्त परफेक्ट नहीं होती लेकिन वो काफ़ी हद तक बेहतर है, और ये एक डिफरेंट तरह का कंटेंट है जो गूगल के पास मौजूद है और गूगल इसको यूटिलाइज़ भी करता है और आपको शो भी करता है। इसके अलावा एक और चीज़ जो गूगल कंटेंट के शक्ल में अपने पास रखता है वो है आपकी पर्सनल डिटेल्स। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप कैलेंडर यूज़ करते हैं अपना स्केड्यूल मेंटेन करने के लिए, कौन सा इवेंट है, कहाँ जाना है, कहाँ से आना है, किसके साथ मीटिंग है, कब मीटिंग है, आप पूरा दिन अवेलेबल हैं या नहीं, ये वो एक और कंटेंट है जो गूगल मैनेज करता है। और इसी तरह से ये सब कंटेंट जब गूगल के पास है उसकी बेस पे गूगल इंफॉर्मेशन जनरेट करता है, और इंफॉर्मेशन की बिना पर वो आपको हेल्प भी करता है, और उसको हेल्प करने का तरीका गूगल असिस्टेंट के नाम से एक प्रोग्राम है जो आपके मोबाइल में, या अगर आप गूगल डेस्कटॉप पे यूज़ करें तो गूगल असिस्टेंट के तहत आप गूगल से सवाल पूछ सकते हैं अपनी ज़ुबान में, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, और आप उनसे गूगल आपको उसका जवाब देगा, और ये सब गूगल इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है डिफरेंट जगहों से। Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Content ke andar ek cheez samajhna bahut zaruri hai ki content different frequencies hai, डिफरेंट इम्पोर्टेंस के साथ कभी बढ़ता है कभी कम होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब पहले टेक्स्ट बहुत ज़्यादा लिखा जाता था, अब लोग चूँकि मोबाइल बहुत आम है, कैमरा बहुत आम हो गया है, अब विजुअल कंटेंट बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत जल्दी वीडियो बना लेते हैं, बहुत जल्दी इमेज बना लेते हैं, जहाँ पर आपने एक पूरा आर्टिकल लिख के एक बात समझानी होती है वहाँ पर एक इमेज दिखा के आप वो बात समझा सकते हैं। तो ये वो कंटेंट है जो गूगल अब चूँकि डिवाइसेस बहुत आम हो गई हैं तो अब वो कंटेंट बड़ा, वो इमेज वाला कंटेंट, जो विजुअल कंटेंट जिसे आप कह सकते हैं, वो बड़ा आम हो गया है। इसके ऊपर एक जो नई चीज़, जो नई फॉर्मेट कंटेंट की वो इंट्रोड्यूस हो रही है वो है ऑडियो कंटेंट। अब चूँकि लोग मसरूफ़ बहुत हैं और डिवाइसेस सबके पास हैं, बजाय इसके कि आप टाइप करके गूगल पे कुछ सर्च करें, लोग अब बोल के सर्च करते हैं, तो वो वॉइस बेस्ड कंटेंट जो कि ऑडियो कंटेंट है वो बड़ा ज़्यादा ग्रो कर रहा है, और उस कंटेंट के अगेंस्ट उसकी सर्विसेज भी ग्रो कर रही हैं। तो जो गूगल भी चाहता है कि जब कोई वॉइस से सर्च करे तो उसको गूगल एग्जैक्ट रिज़ल्ट दे, और उस रिज़ल्ट लाने के लिए एक वॉइस एसईओ के नाम से मज़ीद एक नई सर्विस खड़ी हो गई है, जो चूँकि गूगल आपको एक नई यूटिलिटी दे रहा है, एक आपको नई सलाहियत दे रहा है, उसकी बेस पे जो बिजनेसेस हैं वो अपनी ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं, ताकि अगर कोई ऑडियो में सर्च करे तो उनको वो मिल भी जाए। इस पे हम मज़ीद बात करेंगे ऑडियो कंटेंट की बेस पे हम वॉइस एसईओ कैसे कर सकते हैं।